For the case of IF7, right, we will be involving 5s2. फाइव पे कितने आ जाएंगे? फाइव, ठीक है। क्लियर? तो ये आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं सो वी आर हैविंग 5p ऑर्बिटल्स, ठीक है, 5p ऑर्बिटल्स हैं। ये पी है और ये डी है, जो नेक्स्ट वाले डी है हमने वो इन्वॉल्व करने हैं। ओके, सो दिस इज 5s2, फाइव, ठीक है। हमने नेक्स्ट वाले जो डी एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व करने हैं। वैभव काम कर ले। अब क्या होगा, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? वी नीड 7, ठीक है। 7 के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करवाएंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करवाएंगे, दो और ये यहाँ, तो तीन तीन छह और एक सात हो गया, ठीक है। सो दिस इज sp3d3, एक s इन्वॉल्व हुआ है, तीन p इन्वॉल्व हुए हैं और तीन ही d इन्वॉल्व, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी बेटा? नमन, पेंटागनल, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो हमने एक पेंटागन बनाना है और उसके बीच में ये बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है हमने क्लोरीन के ऐड करवाने हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ पेंटागनल बाय पिरामिडल, ओके, ठीक है, ठीक है दिया, क्लियर नाउ? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हुए थे। एक बारी लिख लो ये साइड्स पे सारी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम आपको शॉर्टकट बताएंगे फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का। वी स्टार्टेड फ्रॉम sp। sp की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? तीन वाली कौन सी थी जिसमें तीन एटम्स लगते थे सेंट्रल एटम के पास? वैभव तो बिल्कुल ब्लैंक होके आया है, पेपर कैसे दिए तूने? sp3 sp3 is tetrahedral, very good Sahaj. अब हम 3 से आगे नहीं जा सकते, so we'll be starting with D now. sp3d, trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. sp3d2. sp3d2 is ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड सहज। sp3d3 अभी पढ़ के आते हैं वैभव, कौन सी थी यहाँ पे जो मैंने बनाई थी अभी? पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ये साइड्स पे लिख लो, आपको शॉर्टकट्स हैं। हमने ज्योमेट्रीज प्रिडिक्ट करनी है और अगर आपको पता होंगी आप तो भी प्रिडिक्ट कर सकोगे, ठीक है, कि कौन सी ज्योमेट्री कैसी है। तो sp लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इसी में ही दो मॉडिफिकेशंस हैं आगे, एक स्क्वायर पिरामिडल है, एक स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो वो जब लोन पेयर्स आ जाएंगे तब आपने इसकी मॉडिफिकेशंस लेनी है, स्क्वायर पिरामिडल की ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर की, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी स्क्वायर प्लेनर वाली।
हो गया ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब शॉर्टकट वे इन ऑर्डर टू फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला इज आपने हाफ करना है पहले, ठीक है। हाफ किसका करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ठीक है, उसमें प्लस कर देने हैं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, उसमें क्या प्लस कर देना है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, इधर लिख देती हूँ आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हाफ करके हमने लिखने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें आपने प्लस कर देने हैं सराउंडिंग एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स होंगे, माइनस चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का चार्ज आपने माइनस कर देना है, ठीक है, प्लस चार्ज ऑफ एनायन, हम चार्ज स्पीशीज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स अभी आपके लिए काउंट नहीं होंगे, हमने सिर्फ इन दोनों की बात कर ली, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, याद आया वीबीटी के लिए, ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे थे प्लस उसमें काउंट किए थे कितने सराउंडिंग एटम था, फिर हमने उसको टू से डिवाइड किया था, तो वही सेम चीज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वीबीटी में बताया था ना कि वीबीटी में हमने कैसे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, तो वही सेम चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, सराउंडिंग एटम्स लिखे हैं, टू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास चार्ज स्पीशीज हैं तो आपने चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन भी मेंशन करना है। अब एक एग्जांपल लिखो और उसके लिए कैलकुलेट करो, कैलकुलेट फॉर ओ एफ टू, ओ एफ टू के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर ओ एफ टू, ये वाला लिखा नहीं था अभी तुमने, ये नहीं, चलिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वंश सिक्स, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर OF2 विल बी सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन, फॉर ऑक्सीजन सॉरी, ठीक है। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, कितने एटम्स इसको सराउंड कर रहे हैं, टू, चार्ज नहीं है ये, ठीक है, तो माइनस चार्ज ऑफ कैटायन जीरो, ठीक है, प्लस जीरो, क्योंकि चार्ज कैटायन नहीं है, ना चार्ज है अनायन है ना चार्ज कैटायन, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, ठीक है, एंड दिस इज फोर। अब फोर वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी, टेट्राहेड्रल, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, एस पी थ्री, तीन और एक, ये चार, चार वाली हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, एक एस था और तीन पी है, तो टोटल मिलके कितना हो गया, थ्री प्लस वन फोर, ठीक है, तो फोर वाली हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी थ्री, एसपी थ्री के आगे क्या लिखा है, टेट्राहेड्रल, तो उसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्लियर है। अब सिमिलरली कैलकुलेट करो, एस एफ फोर के लिए कैलकुलेट करो, कैलकुलेट फॉर एस एफ फोर, एस एफ फोर हमने सेंट्रल एटम लेना होता है, ठीक है, एक सेंट्रल एटम होता है और बाकी जो है उसके सराउंडिंग एटम्स होते हैं, निकालो एस एफ फोर के लिए, हाँ जी, इसमें सेंट्रल एटम है जो अकेला होगा, ठीक है, सो दिस इज कितना आया बेटा, फाइव, फाइव की ज्योमेट्री देखो कौन सी है, पी तीन हो जाने हैं, ठीक है, एक एस तो लगना ही लगना, एस पी थ्री, तीन और एक चार हो गए एस पी थ्री वाले, और क्या इन्वॉल्व करेंगे, एक डी, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है, तो इसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिड।
ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब एक नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करो, एस सी एफ फोर एंड एस सी एफ सिक्स के लिए, दोनों के लिए निकालो, एस ई एफ फोर एंड एस सी एफ सिक्स. कैलकुलेट फॉर एक्स ई एफ फोर एंड एक्स ई एफ सिक्स. जीनॉन है, जीनॉन क्या है, नोबल गैस है, तो नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हमेशा एट होते हैं. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट फॉर बोथ. जो आपको ग्रुप का ट्रेंड बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चला करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. ठीक है, क्लोरीन के पता सेवन है तो ऑब्वियसली ब्रोमीन के भी सेवन होंगे, आयोडीन के भी सेवन होंगे. ठीक है, ऑक्सीजन के छह हैं तो सल्फर के भी छह ही होंगे, नाइट्रोजन के पांच है तो फॉस्फोरस के भी पांच ही होंगे. ठीक है, तो इस वजह से देख लिया करो. ओके, हाँ जी, कितनी ज्योमेट्री है एक्स एफ फोर की, सिक्स वाली हाइब्रिडाइजेशन बोलो. ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन छह को डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, एस पी थ्री डी टू, तीन चार पांच छ. ठीक है, सो द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. एस सी एफ सिक्स के लिए कौन सी आएगी, कैलकुलेट फॉर एक्स सी एफ सिक्स. सो दैट इज राइट अंजलि, सेवन आएगी. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो, एस पी थ्री डी थ्री. ठीक है, ज्योमेट्री वेरी गुड, पेंटागनल बायपिरामिड, पंच पढ़ के आया है. ये वाला आता है, अब आ गया. ठीक है, देख लो, फिर को नहीं आया अभी तक. ठीक है जी, हो गया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर. अब हमने दो चीजें पढ़नी है इसमें, एक डीएसपी टू ज्योमेट्री का पढ़ना है. ठीक है, और एक डीएसपी थ्री डी टू एस पी थ्री, ये दो ज्योमेट्रीज हमने डिस्कस करनी है. ठीक है, डीएसपी टू मैंने आपको जैसे बताया, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर. ओके, डीएसपी टू ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर इन नेचर. ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल है. ऑक्टाहेड्रल की और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन और कौन सी है, अभी जो आपने बोली मुझे, एस पी थ्री डी. तो ये सिमिलर नहीं लग रही कुछ, बस इसमें मैंने डी आगे लिख दिया, इसमें डी पीछे लिख दिया, बट एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, दिखने में आपको लगेगा कि यहाँ पे डी आगे है, यहाँ पे डी पीछे है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन वी आर डूइंग द हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन वी आर डूइंग द बॉन्डिंग पार्ट. ठीक है, तो अब हम इनकी बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे. इनकी बॉन्डिंग डिस्कस करने से पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डिस्टिंक्ट बॉन्ड. कौन से बॉन्ड्स होते हैं ये, यस, आयनिक बॉन्ड पढ़े थे, कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे, और एक ये है कोऑर्डिनेट और डिस्टिंक्ट बॉन्ड. ठीक है, जिसमें वैभव ने आइसक्रीम खानी है, बट वैभव के पास पैसे नहीं है, तो वैभव क्या कहेगा, मंच मुझे आइसक्रीम खिला दे. ठीक है, चलो इस बारी तू है. ठीक है, तो वंश जो है वो वैभव को आइसक्रीम खिलाएगा. ठीक है, तो पैसे किसके जाएंगे, वैभव के, वंश के, सॉरी. ठीक है, आइसक्रीम कौन खाएगा, वैभव. ठीक है, वैभव उसे ले भी सकता है थोड़ी सी. ठीक है, तो डेट मीन्स आप दोनों ने शेयरिंग की, बट कॉन्ट्रीब्यूशन किसने की. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन किसने की है, एक पर्सन है. तो इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग में क्या होता है कि बॉन्डिंग दोनों के बीच में हो रही है, बट कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो एक जना करता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए. ओके, द सिंपलेस्ट केस इज NH3 प्लस H पॉजिटिव. NH3 के ऊपर एक लोन पेयर होता है. ठीक है, देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर NH3. तो H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टेट. ठीक है, इट हैज लूजेस्ट इलेक्ट्रॉन. तो अब इसको क्या करना है, इसको इसके साथ बॉन्डिंग करनी है, बट ये कह रहा है कि मेरे पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो मैं तेरे साथ कैसे बॉन्डिंग करूंगा. ओके, तो नाइट्रोजन क्या कहता है कि आई एम हैविंग वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पेयर, एक सिंगल नहीं बात करनी है हमने, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है.
हाँ वो अपना लोन पेयर पूरे का पूरा लोन पेयर देगा उसको, ठीक है। तो ये लोन पेयर इधर मूव कर जाएगा, जिससे क्या होगा, हेयर इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब तूने उसका 100 रुपीज ले लिया तो उसके तो पर्स में खाली हो गया, ठीक है। तो डैट मीन्स जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, इट विल बी नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। सिमिलरली वी कैन डिस्कस एग्जांपल ऑफ O3, ओजोन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हेयर इट इज हैविंग डबल बॉन्ड एंड हेयर इट इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटेड बॉन्ड। अच्छा डेटेड बॉन्ड ऐसे शो करना बेटा, वो दिखाएगा कि मैंने दिया है, ठीक है। बॉन्ड जब बनेगा तो बॉन्ड में आपने शो करना है कि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को दिया है, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी आपने शो करना है कि ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को दिया है इलेक्ट्रॉन, ओके। तो बॉन्डिंग कैसे होगी अब देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, ओके। ये इलेक्ट्रॉन्स भी बना लेते हैं इसके, मैंने ये यहाँ पे नहीं शो किया क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटेड बॉन्ड शो करना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ठीक है, क्लियर हो गया। इसके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, आफ्टर मेकिंग डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसकी बारी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये क्या कहेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे तुम ले लो, हालांकि इसके पास हैं बट उसको अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बस, ठीक है, फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है सभी का, ठीक है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, जब ये पूरे अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको देगा। हाँ उसके तो कम होंगे, अब इसमें 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो अब इससे कैसा बॉन्ड बनेगा, हेयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और हेयर इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दे आर फॉर्म्ड। अब थर्ड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एक और हाइड्रोनियम आयन, आप पढ़ते हो ना 10th में पढ़ के आए हो, वाटर प्लस एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो H2O प्लस एच पॉजिटिव, अब यहाँ पर आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर वाटर में, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, इसमें एक पेयर जो है वो किसको दे देना है, एच पॉजिटिव को, ठीक है। तो वाटर ने एक पेयर जो है वो किसको दे देना है, एच पॉजिटिव आयन को दे देना है, एंड इन दिस वे यू विल फॉर्म H3O पॉजिटिव, ठीक है। वेयर ऑक्सीजन विल बी हैविंग 1 पेयर, बट एक पेयर तो उसका यूज हो गया ना, अर्लियर इट वाज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए अब ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, एक एग्जांपल आपने घर से लिख के लानी है फॉर दी HNO3, HNO3 के लिए बॉन्डिंग आपने घर से करके लानी है फॉर द डेटिव बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताई है वैसे ही बॉन्डिंग्स जाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशंस पे चलते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ NiCl4 2-, स्ट्रक्चर लिखो पहले, NiCl4 2-। अब बात यह है कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग दैट हाउ दिस स्ट्रक्चर फॉर्म CN2. Now this is the case of the geometry DSP2, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर हम और डिस्कस करेंगे, दैट इज CONH3 6, और इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज 3 पॉजिटिव, ये एग्जाम्पल आ जाएगी D2SP3। ये दोनों आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, बट एक्चुअली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं जो आप प्लस टू में जाके करोगे,
बट एनसीईआरटी में गिवन है तो हमें करना तो पड़ेगा. ओके तो ये दो स्ट्रक्चर हमने अच्छे से कर लेने हैं राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. अब इसमें से जो चीज आपको अभी नहीं पता है दैट इज कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. वो जब आप रिडॉक्स रिएक्शन करोगे, नेक्स्ट चैप्टर करोगे, उसमें आपको आ जाएगी. ठीक है, तो बिफोर एग्जाम यू विल बी नोइंग कि हमने जो मेटल एटम है उसकी स्टेट कैसे निकालनी. ठीक है, अब जैसे हम सेंट्रल एटम लेते हैं कि सेंट्रल एटम जो है वो आगे बॉन्डिंग कर रहा है. ठीक है, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, एक सेंट्रल एटम कंट्रीब्यूट करता है और जो साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, बट इनके केस में कौन सी बॉन्डिंग करनी है हमने, वी विल बी डूइंग विच बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड फॉर्म करना है. इसमें अब म्यूचुअल शेयरिंग वाली कोई बात नहीं है कि एक वो दे रहा है और एक वो दे रहा है. ठीक है, इन दोनों केसेस में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, डेटिव बॉन्ड बन रहा है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऐसे ही होगा ना, एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे. तो हमने पहले इन दोनों में से वो स्पीशीज फिगर आउट करनी है. जो भी आप मेटल लिख रहे हो, ये वाले, ये दीज ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पढ़ के आए हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. तो सबसे पहले याद रखना है कि अगर डी आगे लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में डी आगे लिखा है तो मैंने कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेने हैं. सिंपल एलिमेंट्स की बात नहीं करनी. अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आगे तो बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड वाली बॉन्डिंग होगी. ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, मेटल्स, मेटल्स दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, यहाँ पर निकल हो जाएगा और यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा. ओके, इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से हैं, ये जो इनके साथ लगे हुए हैं, साइनाइड एंड अमोनिया. अमोनिया के पास लोन पेयर है ना, अमोनिया इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी है, अमोनिया है और साइनाइड है. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन कौन से हैं, निकल और कोबाल्ट. एक चीज क्लियर हो गई. ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहले निकल की कॉन्फिगरेशन बताओ जल्दी से, 5 मिनट्स है हमारे पास, जल्दी से. कॉन्फिगरेशन ऑफ निकल, एटॉमिक नंबर 28 है, आर्गन 18, ये होगी 18, 19, 20, 20 और 8, 28. ठीक है, शॉर्टकट दिए हुए हैं, पढ़ लो उनको. हाँ याद करो ना फिर बेटा. तो ये 5 बना दिए मैंने, यहाँ पर ऐसा ऑर्बिटल आएगा. अब D पहले बनाया है, ये देखो D ऑर्बिटल अब मैंने पहले बनाया है क्योंकि D यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ. फिर S बनाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन वैसे बन रही है ना, डी एस. अब उसके बाद कौन सा बनाऊंगी मैं, पी. ठीक है, तो 3 पी ऑर्बिटल्स बना. अब डी वालों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. उससे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने हर एक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी. ठीक है, एज आई एम टेलिंग यू कि जब आप रिडॉक्स रिएक्शन करोगे आपको उसमें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कैसे निकालनी है. बट फॉर द टाइम मैं अभी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो निकल की स्टेट है डेट इज 2 पॉजिटिव. तो हमने निकल को 2 पॉजिटिव स्टेट में लिखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये 8 बना दिए मैंने. जब मैंने निकल को 2 पॉजिटिव स्टेट में लिखना है तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव करूंगी मैं, पहले वाले के दूसरे वाले, एस वाले. ठीक है, तो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हम पहले रिमूव करेंगे, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स इंटैक्ट रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे. तो एस में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दिए, पी वाले आज पड़े. ये चीज मैं भी आपको बता रही हूँ. ठीक है, ये आप रिडॉक्स में करोगे तो बिफोर एग्जाम आपको क्लियर हो जाएगी कि ये मैंने कैसे लिखा है. ठीक है, बिफोर एग्जाम आपको पता चल जाएगा कि ये हमने कैसे लिखना है. अब देखो सेकेंड थिंग, अब आपने जो याद रखनी, ये लिगेंड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो एटम्स लगे हुए हैं स्ट्रॉन्ग एटम्स. ठीक है, जब ये लगे होंगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या कर देनी है, पेयरिंग कर देनी. ठीक है, अब ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे,
ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, दे विल गेट पेयर। ठीक है, तो पेयरिंग में क्या होगा, ये जो सिंगल है ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, दो चीजें आपने याद रखनी है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट और एक पेयरिंग, कि ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आपने क्या कर देना है, पेयर कर देना है। अब एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया मेरे लिए, हाइब्रिडाइजेशन देखो वैसी बन रही है, एक डी खाली हो गया, एक एस खाली हो गया, और कितने पी चाहिए, दो। कितने एटम्स लगाने हैं मैंने, चार, चार एटम्स अटैच करने हैं, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने फिल कर देने, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई, डी एस पी। क्लियर हुए, टू माइनस मैंने वही बताया ना चार्ज, वो चार्ज आप नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट करोगे, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि इसके ऊपर चार्ज मैंने कैसे लिखा है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगी, उसमें हमने चार्ज ही निकालने हैं ऐसे। ठीक है, तो फॉर द टाइम अभी आप बस ये याद रख लो कि निकल के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज है इसमें। ठीक है, फॉर द टाइम, क्योंकि अगली बार आपको क्लियर हो जाएगा जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि इसमें क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने वो सारे क्या कर देने हैं, पेयर कर देने। अब नेक्स्ट का केस आप करो बेटा, राइट डाउन फॉर CONH3, CONH6, सॉरी CONH3 6 3 पॉजिटिव। अब यहां पर कोबाल्ट के ऊपर आपने 3 पॉजिटिव चार्ज लेना। ठीक है, करना शुरू करो, स्टार्ट डूइंग। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो 27 की कॉन्फिगरेशन लिखो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लिखो ना 27 की, 18 के बाद 19 20। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3d7। लिख लिया, करो, चलो देख लो क्या करना है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लिखना है आपने, 3 पॉजिटिव जब लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे 7 आ जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3d6 बन जाएगा ना ये। ठीक है, तो 3d6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 6, तो 2 बारी आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 बारी पेयरिंग करोगे तो सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स भर जाएंगे, तो फिर d2sp3 आ जाएगी। ठीक है, ये करके आना, नहीं समझ आएगी मैं कल करवा दूँ। ओके, बट करके आना जरूर, ट्राई करना।